वहां से आने के बाद हम तुरंत अपना मतलब सर का सीटी स्कैन करवाएंगे, क्योंकि हमारा सर बहुत दुखता है। मतलब हम लिए हैं जो भी कुछ, और हो सकता है गांव जाने के बाद या हमारा सिटी स्कैन तो बाबू का मतलब मुड़न उड़न हो जाएगा, उसके बाद हम। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा मोहन ब्लॉग्स में। आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह सुबह आज हम नाश्ता करके ब्लॉग शूट कर रहे हैं, मतलब जाने के समय। आ जाए देखिए क्या बोल रहे हो। और इस समय दोस्तों हम लोग मतलब गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जैसे शादी विवाह में पहनने के लिए राधा जी के लिए कपड़े और कंगन चूड़ी ले रहे हैं। तो कल एक वीडियो बनाया था राधा जी ने, मतलब हम भी थे, कि मतलब भाई की शादी में जाने के लिए सोने का कंगन लिया। सो वो सोने का नहीं था, आपने वीडियो में देख लिया होगा, है ना। वो रोड पर मिलता है, मतलब 100-100 रुपये का था, 200 का था। तो एक बहन जी या भाई जी ने कमेंट किया था कि शादी में उतना खर्चा मत करो और राधा जी का जाके MRI करो। तो आपने ठीक सजेशन दिया हमें, मतलब हम उतना खर्चा भी नहीं कर रहे, और घर से आने के बाद या फिर गांव जाएंगे वहां पे पूछताछ करेंगे, और सबसे पहले यही काम करेंगे या घर जाके या फिर घर से आने के बाद यहां पे पहले राधा जी का CT स्कैन या फिर MRI कराएंगे, क्योंकि बहुत परेशानी होती है, हरदम उनका सर दर्द करता है, तो हमें भी टेंशन होता है कि अचानक कुछ ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो आपने अच्छा सजेशन दिया हमें और हम उस बात पर अमल भी करेंगे, और हम लोग उतना खर्चा नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल सा। आपने देखा 100 रुपये वाला दो कंगन लिए, और अभी दो कंगन में हम चला लेंगे पूरा, मतलब दो कंगन में चला लेंगे, वहाँ पहनना भी रेगुलर चाहिएगा, तो इसलिए हम पतला वाला लिए हमेशा पहनने के लिए, और चौड़ा वाला शादी के दिन पहनने के लिए लिए हैं। क्या अभी अभी राधा जी के लिए लिया गया, अभी किसी के लिए कुछ नहीं लिया गया, हम लोग भी सोच रहे मतलब सस्ता कहीं जुगाड़ में लेंगे। क्या आनी आनी आ रहा है, आर्या को देखिए आनी आ रहा है। तो आपने अच्छा सजेशन दिया, हम लोग उतना भी खर्च नहीं करते हैं, उतनी औकात ही नहीं है कि उतना खर्च करें, मतलब अब सब लोग लिखते हैं तो हम लोग भी सोचा लिख दे पैसा, है ना जी। हाँ दोस्तों, हर कोई लिखता है, चटनी नहीं करना। तो अभी हम चल रहे हैं काम पे, और आगे का रूटीन राधा जी क्या करेंगे क्या नहीं आप सभी को दिखाएंगी। तो ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, प्लीज़ ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए, हम भी आगे एक दिन बढ़ सकते हैं, हमें लग रहा है आपके प्यार और सपोर्ट से। तो हम चल रहे हैं काम पे। फाइनली दोस्तों पति देव जी काम पे चले गए और हम भी चल रहे थोड़ा काम करने। जैसे आप लोग को पता है कि मतलब तबीयत खराब था कल, और काम नहीं हुआ था तो सब काम वैसे पड़ा था, और कल हम लोग को पीस भी नहीं मिला था, क्योंकि पहले का काम पड़ा था इसीलिए पीस नहीं मिला। अगर हम लोग करके दे दिए होते तो मिल गया होता, लेकिन कल मेरा तबीयत ज्यादा खराब था और बहुत ही ज्यादा मतलब सर और दुख रहा था, ज्यादा ही खराब था कल, मतलब परसों रात से ही। तो कल मतलब शाम को थोड़ा सही हुआ, तो शाम को थोड़ा किए थे, उसके बाद सो गए थे, तो अभी थोड़ा करके दे देते हैं। और देखिए अभी हमारा चाय इधर हो रहा है, तो हम चल रहे हैं थोड़ा चाय पी लेंगे। और हम मतलब सुबह में अंडा की भुजी और रोटी बनाए थे, तो मतलब अंडा का भुजी खत्म हो गया, रोटी है, तो अभी दोपहर में हम खाने के लिए आ रहे हैं कि पापा के लिए ऑमलेट बना देंगे, अंडा एक मतलब दो अंडा बचा है तो ऑमलेट बना देंगे, तो दोपहर में वो खा लेंगे। और दोस्तों बोल रहे हैं आप लोग मतलब पैसा मत खर्च करिए, दोस्तों हम लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे, इसीलिए हम ज्यादा मतलब महंगा वाला चीज कुछ नहीं ले रहे हैं। सब लोग मतलब जो लोग मतलब फ्रेंड है और लोग बोले मतलब सेट वाला चूड़ी लो, लेकिन हमने नहीं लिया, क्योंकि हमने 2 दर्जन 50 रुपए का चूड़ी लिया और 100 रुपए का कंगन लिया, तो 150 में मेरा हो गया है, इसलिए हमने ज्यादा खर्चा नहीं किया। और मतलब आर्य पापा जैसे ने बताया कि मतलब किसी ने कमेंट किया था कि आप लोग पैसा मत खर्च करिए करवाइए, तो दोस्तों हम लोग वही करने के लिए इस बार सोच रहे हैं, या गांव जाने के बाद हम लोग गांव में करवाएंगे, या वहां से आने के बाद हम तुरंत अपना मतलब सर का CT स्कैन करवाएंगे, क्योंकि हमारा सर बहुत दुखता है, और अगर कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चे का क्या होगा, और हमारे पति देव तो मतलब एकदम ओ हो जाएंगे, हमारा परिवार बिखर जाएगा, अगर कुछ भी हो गया तो मतलब बात करते हैं ऐसे, मतलब दुखते दुखते दवा नहीं करवाएंगे, तो इसीलिए सोचे करवा लें। और इसीलिए हमने कपड़ा भी ज़्यादा महंगा वाला नहीं लिया, सब लोग लहंगा लिए हैं पहनने के लिए मतलब जो लोग हैं, लेकिन हमने लहंगा नहीं लिया, सिर्फ हमने साड़ी लिया है पहनने के लिए, हम कहें नॉर्मल चीज़ हमारा रहेगा, हम लहंगा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लहंगा आप लोग को पता है जितने में एक लहंगा लेते उतने में हमारा सब साड़ी हो गया है, इसलिए हमने साड़ी नहीं ली। और अभी हमको थोड़ा लेना है, क्योंकि बाबू का मुंडन करवाना है, तो बाबू के बुआ हुआ को देने के लिए लेना है कपड़ा, देखते हैं क्या होता है, ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं चाय पी लेंगे, उसके बाद आप लोगों से कुछ बातें करेंगे, चाय पी लेते हैं फटाफट, क्योंकि अभी चाय नहीं पियेंगे तो फिर से गला वाला दुखने लगेगा, तो हम चाय पी लेते हैं तब मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों काम हो चुका है, मतलब उसको ज्वाइन करना, उसमें वायर वायर हम लगा दिए जो करना था, और आर्या भी आ चुके हैं, और आर्या सो गए अंदर, इसलिए हम अंदर नहीं बना रहे, क्योंकि पंखा बंद करेंगे तो जग जाएंगे, और दोस्तों 2-3 दिन से बहुत मतलब
बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है दिन में और रात में भी, मतलब एकदम हालत खराब हो जा रहा है, इतना गर्मी हो रहा है। मतलब मन कर रहा है दो दो तीन तीन बार नहाए और नहा ले तो पानी में बैठे रहे निकले में लेकिन कहाँ, गांव की तरह यहाँ पे पानी कहाँ मिलेगा। तो अभी हम काम उम कर लिए और चल रहे हैं, अभी बर्तन धोना है, धो लेंगे, मतलब धो लिए हैं थोड़ा सा, और एक दो थोड़ा है जो खाए हुए थे सब लोग, तो ही बर्तन अभी धोना है तो उसको हम धो लेंगे और बाकी सब काम कर लेंगे। कपड़ा वपड़ा धोना है और अरे एक चाचा का भी आज कपड़ा है उधर निकाल कर देखिए रख दिए हैं कपड़ा। तो दोस्तों हम अपने सर का दवा, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हम लोग पैसा खर्चा करते लेकिन हमेशा रोते रहते हैं, बोलती है कि बीमार है ये है वो है लेकिन तो दवा नहीं करवाती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम लोग दवा करवाते हैं और मतलब सब कुछ सोचना पड़ता है ना, इसीलिए मतलब क्या करें, प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग को घर ना जाना रहता तो हम लोग इतना मतलब सामान वामान नहीं लेते, और वैसे भी आप लोग देखते हैं यहाँ कि हम कुछ अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, जो भी रहता हम सस्ता ही लेकर पहनते और अब उतने में हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन तो अभी क्या करें, शादी पड़ा है तो कुछ तो चाहिए सही कपड़ा पहनने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, पता नहीं कोई क्या सोचेगा, इसीलिए थोड़ा अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा कपड़ा, तो इसलिए मतलब हम लिए हैं जो भी कुछ। और हो सकता है गांव जाने के बाद या हमारा सिटी स्कैन हो, बाबू का मतलब मुड़न उड़न हो जाएगा, उसके बाद हम अपने सर का दवा करवाएंगे, क्योंकि आर्या का मुंडन भी करवाना है, उसमें भी खर्चा जाएगा और शादी में भी खर्चा जाएगा भी, मतलब जो भाभी है उनको देने के लिए हमको कुछ लेना पड़ेगा, अभी लिए नहीं, देखते हैं क्या लेंगे। अभी तो कल 10 तारीख है, 10 तारीख को आर्या का पापा का पगार होगा, तो उसके बाद हम लेंगे जो लेना रहेगा, और आया का भी कपड़ा भी लेना, आर्या के पापा का लेना, सबका कपड़ा लेना है, सिर्फ हमारा बस लेना लिया आया है कपड़ा, सब कुछ हम ले चुके हैं, सिर्फ मतलब एक गले का मतलब ऐसे मंगलसूत्र बस लेना है और एक पायल लेना है, मतलब पायल चांदी का नहीं ले पाएंगे, एक गिलंड का पायल लेंगे और एक नकली वाला मंगलसूत्र लेंगे, दो चीज लेना है हमको, अभी हमको वही दो तीन चीज लेना है और उसको भी हम ले लेंगे। उसके बाद आर्या का मतलब अभी तो पगार होगा तो शुक्रवार को जाएंगे, मतलब लेंगे, मार्केट लगेगा, तो देखते हैं क्या क्या आर्या के लिए कपड़ा। वैसे आर्या को बहुत पड़ा है, मतलब महंगा महंगा भारी भारी कपड़ा है, लेकिन तो गर्मी में आर्या किधर भारी भारी पहनेंगे, तो हल्का हल्का इनके लिए सोचो टी शर्ट और हाफ जींस ऐसा ले लें, हल्का हल्का कपड़ा मार्केट में मिलता है। देखते हैं अभी आर्या के लिए क्या क्या ले आता है और क्या क्या नहीं ले आता है, और आप लोग मतलब सपोर्ट करिए दोस्तों, हमारा वीडियो इस समय थोड़ा सा ही चल रहा है, मतलब जो भी जाता है 400-500 भी जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता, लेकिन अच्छा जाता है, अच्छा लगता है कि मतलब इतना तो चल रहा है, तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करिए, हमें आगे बढ़ाते रहिए। तो आज का वीडियो कुछ था नहीं, यही सब बताना था, क्या दोस्तों क्या करें, तबीयत नहीं सही था और मेरा, मैं शाम को भी कुछ खाना नहीं खाई थी, मतलब ऐसे दो तीन आलू का, मतलब ऐसे आर्या तल रो रहे थे तो आर्या के लिए भजिया तली थी, तो वही दो चार खाई थी, उसके बाद वैसे ही शाम को तहरी बनाए थे, तो हम लोग आर्या के पापा खाए, आर्या के चाचा खाए, लेकिन हम नहीं खाए, मेरा मन नहीं कर रहा था तो इसलिए नहीं खा, और अभी सुबह में भी चाय पिए और एक रोटी खाए हैं, बस कुछ नहीं खाए हैं, खाने का मन ही नहीं कर रहा है दो दिन से पता नहीं क्यों। तो अभी देखते हैं दवा वा लेंगे, गाँव से आने के बाद दवा करवाएंगे पूरा अच्छे से, अभी नहीं करवाएंगे, और अभी हम चल रहे हैं काम थोड़ा ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लेते हैं। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वीडियो में कुछ ज़्यादा था नहीं, जो भी था मतलब आप लोग को दिखाएं, वीडियो नहीं शूट कर पा रहे हैं, लेकिन कल हो सकता है वीडियो, हम लोग कोई चैलेंज वीडियो लेकर आए, तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।